पे यूथ तैयार रहे इसके लिए। अभी यहाँ पे एक चीज और हम कह देते हैं, क्योंकि हर आदमी यहाँ पे वोटर भी है, हम कैंडिडेट और वो तो है नहीं, हम किसी के सपोर्टर नहीं है, लेकिन वोटर है। तो भाई अपनी वोट जिसको दी उसके घर तक पहुंचाने का काम भी जनता का ही है, अपनी निगाह रखना। ये धोखेबाजी करेंगे, हम तो बताते हैं, गांव के लोगों ने हमको बताया कि ये धोखेबाजी करेंगे, तो अपना ट्रैक्टर लेके जाइए भाई। 9 और 10 तारीख को किसान अपनी छुट्टी रखे, अपनी जहां गिनती हो उसका पहरा दे, 9 तारीख में ट्रैक्टर लेकर वहां चले जाएं, अपना कंबल रिजाई विजाई लेके जाएं, 2 दिन का खाने का राशन पानी लेके जाएं, कान से 4 अंगल ऊपर अपना कपड़ा उपड़ा बांध के जाएं, रात को ठंड हो तो ये सारी चीज कर 2 दिन के लिए अपना भाई पहरेदारी का काम भी कर ले भाई, जिसको वोट दी उसके घर तक भी पहुंचा दो। तो ये भी है, ये बेईमानी करेंगे। एक जिला एक बेईमानी की सीट जिता कर देने का इनका प्लान है, उस पर निगाह रख लेना। एक जिला एक सीट बेईमानी से जिताने का प्रोग्राम करेंगे, गिनती पक्की करवा लेना अपनी। हम तो नॉन पॉलिटिकल, हम तो बताते हैं कुछ भी जो हमको गांव वालों ने बताया, वो हमने आपको बात बताई है भाई। आशंका थोड़ा तो पक्की है बात। तो क्या कहना चाह रहे हैं किसानों से? किसान का ये है कि 2 दिन की छुट्टी किसान रखे, 9 और 10 तारीख की छुट्टी रखे, अगर वोट दी है तो भाई अपनी गिनती ठीक करवाइयो जाकर। बेईमानी के किसान को कैसे पता चलेगा? पता चलेगा जब पहरेदारी ठीक रहेगी, गिनती पक्की करवाओ अपनी वहां पे। ये हारे हुए कैंडिडेट को जीत का सर्टिफिकेट देंगे। अगर बाहर पहरेदारी कमजोर होगी, चोर को रास्ता मिल गया जहां से उसने चोरी पहले करी जिला पंचायत में, वो उसी रास्ते से चोरी करने फिर आएगा। पहरेदारी मजबूत रखनी अपनी, यानी प्रशासन भी पूरे प्रदेश का चलता है। यहाँ तो जज 150 जज तो यहाँ आरएसएस के भर्ती कर दिए देश में। ये देश आरएसएस नाम की एक संस्था इस देश को चलाएगी, उसका इस देश पे कब्जा हो चुका है। उससे अगर बचना है तो सब चीजों पे निगाह करनी पड़ेगी। सब संस्थाओं पर कब्जा हो चुका है, अनऑफिशियली कब्जा एक किस्म से। नौकरी कहीं लग रही, आप जितने भी यूनिवर्सिटियां हैं उसके वीसी कौन लग रहे हुए हैं, उनकी विचारधारा क्या है, उन्हें कहां से ट्रेनिंग ली है। इस देश को बेचने का प्लान बन रहा है, इसको बचाना है तो यूथ को आगे आना पड़ेगा। मुक्ति अभियान देश में चलेगा, पे यूथ तैयार रहे इसके लिए। अभी यहाँ पे एक चीज और हम कह देते हैं, क्योंकि हर आदमी यहाँ पे वोटर भी है, हम कैंडिडेट और वो तो है नहीं, हम किसी के सपोर्टर नहीं है, लेकिन वोटर है। तो भाई अपनी वोट जिसको दी उसके घर तक पहुंचाने का काम भी जनता का ही है, अपनी निगाह रखना। ये धोखेबाजी करेंगे, हम तो बताते हैं, गांव के लोगों ने हमको बताया कि ये धोखेबाजी करेंगे, तो अपना ट्रैक्टर लेके जाइए भाई। 9 और 10 तारीख को किसान अपनी छुट्टी रखे, अपनी जहां गिनती हो उसका पहरा दे, 9 तारीख में ट्रैक्टर लेकर वहां चले जाएं, अपना कंबल रिजाई विजाई लेके जाएं, 2 दिन का खाने का राशन पानी लेके जाएं, कान से 4 अंगल ऊपर अपना कपड़ा उपड़ा बांध के जाएं, रात को ठंड हो तो ये सारी चीज कर 2 दिन के लिए अपना भाई पहरेदारी का काम भी कर ले भाई, जिसको वोट दी उसके घर तक भी पहुंचा दो। तो ये भी है, ये बेईमानी करेंगे। एक जिला एक बेईमानी की सीट जिता कर देने का इनका प्लान है, उस पर निगाह रख लेना। एक जिला एक सीट बेईमानी से जिताने का प्रोग्राम करेंगे, गिनती पक्की करवा लेना अपनी। हम तो नॉन पॉलिटिकल, हम तो बताते हैं कुछ भी जो हमको गांव वालों ने बताया, वो हमने आपको बात बताई।